हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जॉब्स तैयारी यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एसएससी टीयर टू के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध। ओके फ्रेंड्स, तो इसको पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि दिया है हमारा, मैंने फ्रेंड्स एक कोटेशन ली है, उसमें लिखा हुआ है कि नया दौर है उसको तुम अपनाओ, मतलब ये दुनिया बदल रही है तो उसके अकॉर्डिंग बदल जाओ, उसके अनुसार चेंज हो जाओ। अपनी सोच को पंख लगाओ, मतलब जो अपनी छोटी सी सोच है उसको पंख लगाओ, उसको उड़ने दो। आगे फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऊंचे विचारों की ओर कदम बढ़ाओ, मतलब फ्रेंड्स कि हमें पुराने विचारों में नहीं रहना है और जो नया दौर चल रहा है उस दौर में आकर के अपनी सोच को बदलना है और बेटी को पढ़ाना है बेटी को बचाना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो दिया है हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक योजना की शुरुआत हुई। भारतीय समाज में लड़कियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मतलब फ्रेंड्स कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। और फ्रेंड्स, वो शुरुआत क्यों की गई थी, क्योंकि जो हमारी इंडिया है या भारत है उसमें समाज में लड़कियों की क्या थी, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी, मतलब लड़कियों की संख्या कम होती जा रही थी, उसको देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे दिया है 1991 में 0 से 6 वर्ष के हर 1,000 लड़कों पर 945 लड़कियां हैं, जबकि 2001 में लड़कियों की संख्या 927 पर दोबारा 2011 में इसमें गिरावट होते हुए ये 1,000 लड़कों पर 918 पर आकर सिमट गई। मतलब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि 2011 1991 की, तो 1991 में क्या था फ्रेंड्स, 0 से 6 वर्ष के जो मतलब बच्चे थे उनके अंदर लड़के और लड़कियों का लिंगानुपात देखा गया कि उनकी संख्या क्या है, तो वो क्या थी फ्रेंड्स, 1,000 लड़के थे तो 945 क्या थी, लड़कियां थी। ये कब थी फ्रेंड्स, 1991 में, मैंने मैं फ्रेंड्स हाईलाइट कर रखा है इसे। और उसके बाद 2001 में जब लड़कियों मतलब जो सेंसिस थी या जनगणना की गई थी, तो उसमें देखा कि लड़कियों की संख्या 927 रह गई, मतलब लड़के 1,000 थे, 1,000 और लड़कियां कितनी थी, 927। और उसके बाद फ्रेंड्स 2011 में जब जनगणना हुई तो क्या देखा गया कि 1,000 लड़कों पर 918 ही लड़कियां बची, इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या थी फ्रेंड्स, लगातार कम होती जा रही थी। तो इसी को देख करके जो हमारी योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरू की गई थी। अगर हम सेंसिस के रिकॉर्ड आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि हर दशक में लड़कियों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज हुई है, मतलब कि इसमें क्या हुआ है फ्रेंड्स, लगातार गिरावट दर्ज हुई है। ये धरती पर जीवन की संभावनाओं के लिए खतरे का निशान है। अगर जल्द ही लड़कियों से जुड़े ऐसे मुद्दों को सुलझाया नहीं गया तो आने वाले समय में धरती पर बहुत गंभीर समस्याएं अपना घर बना लेंगी, मतलब फ्रेंड्स कि अगर हम जो लड़कियों की संख्या लगातार गिरती जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा चिंतनीय विषय बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर लड़कियां ऐसे कम होती गई तो क्या होगा कि फिर धरती पर कोई भी नया जन्म नहीं लेगा, क्योंकि लड़कियां नहीं होंगी तो किसी भी पर्सन किसी भी बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या है कि ये एक समस्या बन जाएगी, और अगर लड़कियों की संख्या कम होती जाएगी तो क्या होगा कि बलात्कार और वैसी जैसे मतलब जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, मतलब रेप और उसकी सारी घटनाएं बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा इससे बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे कंट्री में या फिर मतलब समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां फैल जाएंगी, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो जाएगी, बहुत गंदगी फैल जाएगी, इसको ऐसे कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है कि गंभीर समस्याएं अपना घर बना लेंगे, इससे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। फ्रेंड्स आगे दिया, देश में लड़कियों के बुरे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। अब फ्रेंड्स इसमें क्या किया था कि जो लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था इसका, इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत लड़कियों की संख्या में सुधार, इनकी सुरक्षा, शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन, व्यक्तिगत एवं पेशेवर विकास आदि का लक्ष्य पूरा पूरे देश भर में है। मतलब फ्रेंड्स कि लड़कियों की सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनकी
संख्या में सुधार होना चाहिए। सेकंड, इनकी सुरक्षा मतलब इनकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई भी लड़की है पढ़ने जा रही है तो वो सुरक्षित पढ़ने जाए। ओके, शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स। कन्या भ्रूण हत्या जो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है कि किसी अपने लड़के के मतलब कि किसी के अगर दो लड़कियां हो गई तो उन्होंने अपने लड़के के लालच में आगे देखा कि लड़की ना हो जाए तो उसको क्या किया, भ्रूण में ही उसकी हत्या करा दी। ओके फ्रेंड, तो इस कन्या भ्रूण हत्या को भी बचाना है। आगे हत्या का उन्मूलन, इसको खत्म करना है। व्यक्तिगत एवं पेशेवर विकास आदि का लक्ष्य पूरे देश भर में है। अगर फ्रेंड, इसे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के द्वारा देश केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 100 चुनिंदा शहरों में इस योजना को लागू किया गया। तो फ्रेंड्स, कितने शहरों में लागू किया गया, 100 में। अब किसके द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये जो मंत्रालय दोनों ने मिलकर इस योजना में क्या किया, अपना साथ दिया, इस अभियान को चलाया। और फ्रेंड्स, कितने शहरों में, 100 शहर चुनिंदा शहरों में इस योजना को लागू किया गया। इसके बाद है फ्रेंड्स, इसके सकारात्मक पहलू ये हैं कि ये योजना लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध और गलत प्रथाओं को हटाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में साबित होगी। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से किसी भी लड़की को गर्भ में नहीं मारेंगे। मतलब फ्रेंड्स कि इससे क्या है, अब जो कुरीतियां फैली हुई हैं समाज में वो क्या होंगी, इससे खत्म हो जाएंगी। अगर हम ऐसा करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सब समझें इस चीज को, तो क्या होगा, इससे ये जो कुरीतियां फैली हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और बेटी भी पढ़ेगी, अशिक्षित नहीं रहेंगी, मतलब बेटियां अशिक्षित नहीं रहेंगी, असुरक्षित नहीं रहेंगी, बलात्कार नहीं होगा आदि, ये सारी घटनाएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अतः पूरे देश में लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए, लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही सराहनीय योजना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कैसी है, अब फ्रेंड्स मतलब बेटियों से कोई भी दुराचार ना हो या कोई भी, और वो मतलब लैंगिक भेदभाव ना हो कि ये लड़का है या लड़की है, उन्हें एक समान समानता मिले, और क्या हो फ्रेंड्स कि जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उनकी, मतलब जो आर्थिक हम कहें कि वो उन्हें जॉब नहीं मिलती सही से या ये सही नहीं है, तो उन सब चीजों को मिटाने के लिए उन्हें क्या किया जाए, स्वतंत्र बनाया जाए। ठीक है, तो इस स्वतंत्र बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके फ्रेंड्स, तो का योजना मतलब ये योजना कैसी होगी, अगर ये सब होता है तो ये योजना बहुत ज्यादा सराहनीय योजना होगी। ओके फ्रेंड्स, आगे दिया इसके साथ, अब फ्रेंड्स अपने ऐसे को कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सी कोटेशन भी डाल देते हैं कि क्या, बेटी बचाने का सब कर लो वादा, फ्रेंड्स यहाँ बचाने का होगा, बेटी बचाने का सब कर लो वादा, अब ना कभी बदलोगे अपना इरादा। मतलब बेटी बचाने का सब अपने मन में वादा कर लो कि हमें बेटी बचानी है, अब ना कभी बदलोगे अपना इरादा, और अपना इरादा कभी बदलना नहीं है। बेटी है हमारी जग जननी, इसकी रक्षा हमें करनी। तो बेटी क्या है, जग की जननी है, और फ्रेंड्स इसकी क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स इस तरह से आप लिखोगे तो बहुत अच्छा और सही इफेक्ट जाएगा एग्जामिनर पर कि आपने स्टार्टिंग में एक कोटेशन डाल दी और एक लास्ट में डाल दी, तो उससे क्या होगा कि उसको पढ़ने में भी मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो वो मार्क्स भी अच्छे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अगर आपको फ्रेंड्स ऐसे अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो फ्रेंड्स इसको लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंड्स लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि आपके और फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। ओके फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।